नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। लगातार कल से राजस्थान के जोधपुर का जिक्र हो रहा है और वो इसीलिए क्योंकि शहीद प्रभु सिंह वहां के रहने वाले थे। गाजीपुर के शहीद शशांक सिंह और शहीद मनोज कुशवाहा, जिन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। जी न्यूज देश के इन तीन वीर सपूतों की शहादत को नमन करता है। ये वो जवान हैं जो मंगलवार को जम्मू कश्मीर के माछिल में पाकिस्तानी सैनिकों के हमले में शहीद हुए थे। इन तीनों जवानों के घर वालों को अपने लाड़ों के अंतिम दर्शन का इंतजार है। इन शहीदों के पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचेंगे। देश इन शहीदों के बलिदान को याद कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी दिख रहा है। पाकिस्तान से बदला लेने की आवाज बुलंद हो रही है। देश के हर कोने से हर हिंदुस्तानी ये कह रहा है कि इन वीरों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। शहीद प्रभु सिंह के पैतृक गांव राजस्थान के जोधपुर के शेरगढ़ में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। अपने 26वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले शहीद हुए प्रभु सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। परिवार और गांव के लोगों को जहां शहीद प्रभु सिंह की शहादत पर गर्व है, तो पीठ पर वार करने वाले पाकिस्तान को लेकर गुस्सा भी है। नौ महीने की इकलौती पोती को कलेजे से लगाकर रो रहे इस इंसान का दर्द सुनने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। उसके अंदर जा करके मेरा इकलौता बेटा खो दिया मैंने। मैं भी घर के आर्मी में नौकरी, फिर भी बन मैंने मेरा इकलौता बच्चा खो दिया। शहीद प्रभु सिंह चंदर सिंह के इकलौते बेटे थे। बुढ़ापे का इकलौता सहारा, या कहें बुढ़ापे की एकमात्र लाठी। लेकिन पिता से पहले प्रभु ने देश की लाठी बनने का फर्ज निभाया। राजस्थान के जोधपुर के शेरगढ़ के रहने वाले प्रभु सिंह शेरदिल इंसान थे। 26 साल की उम्र में शहीद हुए प्रभु 4 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे और 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। शहीद प्रभु सिंह के फौजी पिता, पत्नी, पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर शहीद हुए प्रभु सिंह के घर में आप देख रहे हैं गमगीन माहौल है। प्रभु सिंह की 3 पीढ़ी फौज में रही है, साथ ही प्रभु सिंह के जो दादा है अचल सिंह जी, उनके 4 पुत्र थे, चारों के चारों फौज में थे। साथ ही अचल सिंह के पिता जो हैं वो भी फौज से रिटायर हुए हैं और उन्होंने भी देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तत्पर थे। शेरगढ़ को अपने इस लाल की शहादत पर गर्व तो है, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने प्रभु सिंह के शव के साथ जम्मू कश्मीर के माछिल में जिस तरह की बर्बरता की, उससे बेहद गुस्से में भी हैं। सिर्फ 22 साल की उम्र में सैनिक बनने का सपना प्रभु सिंह को जिस पिता ने दिखाया था, आज वही पिता बेटे के शव के साथ हुई बर्बरता का बदला खुद हथियार उठाकर लेना चाहता है। पाक को तो सड़े से बदला लेना चाहिए। मैं तो अगर जाकर के आर्मी में दोबारा ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ और उनसे बदला लेने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है ना। मैं अभी भी जाकर के उसी पोस्ट पे लड़ सकता हूँ, अभी भी मेरे में हिम्मत है। इसके लिए है कि जो इस तरह की जो हरकतें हो रही है ना, ये मोदी जी को कुछ जवाब देना चाहिए कि बंद हो। इसके बारे में मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ठीक है। नहीं जो ये ऐसे हरकतों में ये हर बार बाज नहीं आ रहा, कभी हर रोज हर तीसरे चौथे शहीद का पक्का ही आ जाता है कि आज 3 शहीद हुए, आज 2 हुए। 9 महीने की ये बच्ची अपनी आंखों से दादाजी, मम्मी, सभी रिश्तेदारों को रोते हुए तो देख रही है, लेकिन समझ नहीं पा रही कि उसके साथ हुआ क्या है।
इसे नहीं पता कि अब इसके पापा कभी लौट कर नहीं आने वाले। राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला ने शहीद प्रभु सिंह की इकलौती बेटी की शिक्षा और शादी में खर्च की जिम्मेदारी ली है। प्रभु सिंह की एक छोटी बेटी है जिसकी उम्र अभी 10 महीने की बेटी है, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाती है कोटा के श्रेष्ठी नगरी उस बेटी को अच्छी से अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दिलाने का काम करें। मेरी जिम्मेदारी है कि हम उसकी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा, उचित शिक्षा और बेहतरीन शिक्षा दिलाकर देश की प्रथम नागरिक बनाने का काम करें और इसकी शादी से लेकर तमाम जिम्मेदारी कोटा की श्रेष्ठी नगरी की होगी। ये मासूम आज से कुछ सालों बाद जब बड़ी होगी और ये जानेगी कि उसके शहीद पिता के शव के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने बर्बरता की थी, तो ये देश की सेना और सरकार से जरूर पूछेगी कि उसके पिता से हुई बर्बरता का बदला दुश्मनों से सूद समेत लिया गया या नहीं। जोधपुर के शेरगढ़ से दयाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, परिवार का हाल क्या है आपने देखा, पिता क्या चाहता है वो आपने देखा और सरकार किस तरह की मदद की बात कर रही है वो भी हमने आपको दिखाया। मेरे सहयोगी दयाल सिंह इस वक्त शेरगढ़ में ही मौजूद हैं जो शहीद प्रभु सिंह का गांव है और आज उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचना है। सीधे हम दयाल सिंह के पास चलते हैं। दयाल सिंह, कल से हम ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जी न्यूज़ एक माध्यम बने, देश के हर कोने में हर परिवार में वो भाव पहुंच सके, लोगों को ये पता चले कि एक शहीद का परिवार किस दर्द से गुजरता है। आज जब पार्थिव शरीर पहुंचेगा, पिता को कितना बेसब्री से इंतजार है अपने लाल को देखने का। देखिए सुनीता, बताना चाहूंगा जिस तरह की जी न्यूज की मुहिम है कि किस तरह से शहीद के परिवार में स्थिति है, शहीद होने के बाद सारी स्थिति से हमने दर्शकों को अवगत कराया और इसका जो शहीद के परिवार वालों की स्थिति पूरी जनता ने देखा भी और पूरी जनता जो है जो राजस्थान की नहीं पूरे देश भर की शहीद के परिवार के साथ है। आज जो प्रभु सिंह जी शहीद हुए हैं उनके पिता के एक प्रभु सिंह जी इकलौते पुत्र थे, लेकिन आज भारतवर्ष के जितने भी नौजवान साथी हैं सब अब जो प्रभु सिंह के पिता है उनके पुत्र हो गए हैं और वो सब उनके साथ हैं। साथ ही बताना चाहूँगा कि यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक है वो कल से ही यहाँ लगे हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह से व्यवस्था देखी है और किस तरह से जो सरकार है वो इनकी जो शहीद का परिवार है उनकी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। बाबू सिंह जी, आप भी कल से यहाँ लगे हुए हैं, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ और किस तरह से आप यहाँ मोर्चा संभाले हुए शहीद के परिवार में? शेरगढ़ सूरवीरों की धरती रही है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक जांबाज देने वाली धरती है। यहाँ की वीरांगनाओं ने ऐसे जांबाज सपूतों को जन्म दिया है। आज भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश की सरहदें हैं, सीमाएं हैं, वहाँ पर राजपूत राइफल्स या राजपूताना जितनी भी फोर्स है उसके अंदर 1000 से ज़्यादा जांबाज आज भी सरहदों पर तैनात हैं। और ख़ास तौर से ये जो परिवार है इसमें पीढ़ियों से सेना में भर्ती होते रहे हैं। अगर आज भी चंद्र सिंह जी कहते हैं मेरा और कोई सपूत होता तो मैं फौज में भेजता, या प्रभु सिंह के कोई बेटा होता तो भी फौज में जाता, इनके दादों साहब परदादों साहब सब फौज में रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हम सभी चंद्र सिंह जी के बेटे हैं, उनके बेटे बनकर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो स्थितियाँ आप देख रहे हैं, सब लोगों की मांग है कि प्रभु सिंह जो शहीद हुए हैं उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मान करके देश की सरहदों पर रक्षा करते हुए शहादत दी है। ये शहादत ऐसे नहीं जाएगी, ये शहादत का बदला लेने के लिए आज भी हमारे पूर्व सैनिक तैयार खड़े हैं। और वो सब इन सबका ये कहना है अगर सरकार हमें परमिशन दे तो हम इस चूहे जैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और एक के बदले 10 शेर लाकर के सरकार के सामने सौंप सकते हैं। आज भी जज्बा हमारे यहाँ के वीर सपूतों में आज भी बना हुआ है। सुनीता, बताना चाहूँगा जोधपुर के सांसद जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत है वो भी आ चुके हैं, उनसे भी जानते हैं कि केंद्र सरकार आखिर बदला लेने के लिए कब तक इंतजार कराएगी देशवासियों को और आगे क्या कार्रवाई कर रही है सरकार पाकिस्तान के खिलाफ। सांसद साहब, किस तरह की सरकार से जो लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कड़ा जवाब दिया, आए दिन जो ऐसी नापाक हरकतें कर रहा है उसके लिए केंद्र सरकार किस तरह का आगे कदम उठाने वाली? मैं प्रभु सिंह जी की शहादत को नमन करता हूँ और प्रभु सिंह जी के साथ में जो देश के दो जाबाज सिपाही और शहीद हुए हैं उनकी शहादत को भी नमन करता हूँ। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, जो देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हम सारे 125 करोड़ लोगों के लिए अपने माता के वस्त्रों के समान हैं, उसकी सीमाओं की रक्षा के लिए जिस तरह से सर्वस्व न्यौछावर इन वीर सपूतों ने किया है, हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है।
भारत की सरकार, भारत की सेना, भारत की सरकार ने भारत की सेना को पर जो है कार्रवाई करने के लिए जो फ्री हैंड दिया है, और सेना निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई कर रही है। हम सब लोगों के संज्ञान में भी आया है कि प्रभु सिंह जी की शहादत के बाद में जो सेना ने जवाबी कार्रवाई की है, उस जवाबी कार्रवाई में तीन पोस्टें तोड़ी गई। बताना चाहूंगा कि जिस तरह के सांसद साहब ने बताया कि सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है और पाकिस्तान से बदला ले भी लिया जाएगा, और कल की और आज की सूचनाएं मिल रही है कि कुछ सैनिक पाकिस्तान के मार गिराए गए हैं। बिल्कुल, और डीजीएमओ स्तर की जब बातचीत की पेशकश की गई तो उसमें ये मुद्दा भी उठाया गया, प्रभु सिंह के शरीर के साथ, उनके शव के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई ये मुद्दा भी रखा गया, और ये भी कह दिया गया कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दयाल सिंह, ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।